सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप्राज वर्ल्ड। और अभी सुबह के 6:30 बजे हैं और हम लोग आ गए हैं छत पर। इसलिए आ गए हैं कि अथक का बहुत मन था, जो जल्दी उठ गया था, तो उसने कहा चलो मम्मा पापा छत पे चलते हैं। तो हम कहा चलो चलते हैं, फ्रेश एयर भी इसी बहाने मिल जाएगी। और यहाँ पर अथक और अथक के पापा टंकी में पानी देख रहे थे कितना पानी है, क्योंकि आज मॉर्निंग से ही मोटर लगा दी थी अथक के पापा ने, क्योंकि मुझे मशीन लगानी थी कपड़ों की। और ये अथक देख रहा है सुबह सुबह नज़ारे, गार्डन की तरफ देख रहा है, और बहुत अच्छा लगता है सही में मॉर्निंग में छत में आ जाओ ना, तो छत में आने से फ्रेश एयर तो मिलती है, साथ ही हमारा मतलब पूरा दिन अच्छा निकलता है, क्योंकि सुबह सुबह हम जब नेचर के कांटेक्ट में आते हैं ना, तो पूरा दिन हमारा अच्छा जाता है। ग्रीनरी देखने को मिलती है, पक्षियों को देखने को मिलता है, तो पूरा हम इस बहाने नेचर के करीब आ जाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नीचे, क्योंकि नीचे के काम भी निपटाने हैं। और यहाँ पर नीचे आने के बाद अथक और अथक के पापा की वीडियो चल रही थी, अथक भी आज अपनी एक वीडियो बना रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप्रा वर्ल्ड, यानी कि शिप्रा की दुनिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और अभी ना मैं सीधे आपसे मिल रही हूँ अर्ली मॉर्निंग के बाद, 10:30 का टाइम हो चुका है। मैं नहा भी ली हूँ मतलब, और मैंने साफ़ सफाई वगैरह सब कर ली है, और क्योंकि व्रत चल रहे हैं ना, तो फटाफट साफ़ सफाई वगैरह का काम करना होता है। फिर क्योंकि किचन के भी सारे काम होते हैं, खाना भी है, और हमारा जो भी है फलाहार वो सब बनाना होता है, तो काम थोड़े से एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो अभी मैं बनाऊंगी खाना, तो खाना मैं सोचूं क्या बनाऊं, तो पहले देख लेती हूँ क्या बनाना है। खाना है मेरे हिसाब से तो मैं भिंडी बनाऊंगी अभी, और दाल बना दूंगी, और फिर देखते हैं हमारा क्या करना है। तो एक बार चलिए फटाफट से काम शुरू करते हैं, क्योंकि काम शुरू हो ही नहीं है किचन के, बाकी काम तो हो चुके हैं। और कपड़ों की मुझे लगानी है मशीन, तो उसकी हेडेक मुझे है नहीं कपड़ों की, वो तो कभी भी लगाओ। लेकिन हाँ, खाने की टेंशन हो रही है, क्योंकि 10:30 से ऊपर का टाइम हो चुका है। तो चलिए फटाफट खाना बना लेते हैं। और आज मैंने ये कुर्ती बिल्कुल हल्की वाली डाली, क्योंकि गर्मी चल रही है ना, तो बिल्कुल ही कपड़े सहन ही नहीं होते, मतलब इचिंग सी होने लगती है। तो आज ये मैं तो भूल ही गई थी इस कुर्ती के बारे में, आज मुझे अलमारी में दिखी तो मैंने कहा चलो ये वाली पहन लेते हैं। किचन थोड़ी मैसी हो रही है, तो अवॉइड कीजिएगा। अभी फटाफट सब चीज़ें सेट करके और फिर खाना बनाती हूँ, तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ भिंडी कट करने के लिए, क्योंकि मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। और मुझे बनानी थी वैसे तो दाल बनानी थी, बट फिर मैंने सोचा दाल नहीं बना के करेले की सब्ज़ी बना देती हूँ, क्योंकि करेले ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि जो सब्ज़ी है ना मेरे हस्बैंड कल लेके आए थे, तो करेले हुए भिंडी हुए वो ना फिर ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो दोनों ही आज बना लेती हूँ। भिंडी बनकर रेडी है, और अब मैं बनाऊँगी करेले की सब्ज़ी, मतलब सिंपल सी करेले की सब्ज़ी बनाऊंगी, इनको नॉर्मल तरीके से छोंक दूंगी और बेसन डाल के बनाऊंगी। तो चलिए इसकी रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ फटाफट से। और इनको मैंने धो करके रख लिया था, और इनमें नमक भी डाला था ताकि इनका खारापन निकल जाए, और एक बार फिर से इनको धो लिया है, तभी तो सब्ज़ी में ज़्यादा नमक हो जाएगा। इतनी गर्मी हो रही है ना किचन में कि खड़े रहना भी मुश्किल हो जाता है, फ़ैन चला नहीं सकते क्योंकि गैस बुझने लग जाता है, और खाना बनाओ तो हालत ख़राब हो जाती है। तो इतनी भीषण गर्मी में जो औरतें, मतलब सैल्यूट है सभी औरतों को, कि उनको सभी जेंट्स लोगों को थैंक यू कहना चाहिए कि इस भीषण गर्मी में आप लोगों को खाना बनाकर हम लोग खिलाते हैं। और क्योंकि लॉकडाउन भी चल रहा है, तो बाहर से भी नहीं आ सकता, मतलब कोरोना वगैरह चल रहा है, तो सभी को थैंक्स कहना चाहिए लेडीज़ लोगों को कि इतनी भयंकर गर्मी में भी इतने मन से हम लोग खाना बनाकर खिलाते हैं, तो सही में बहुत बड़ी बात है। तो चलिए फटाफट से सब्जी बनाए थे, अब तेल भिंडी में एक्स्ट्रा हो गया था, तो वही तेल मैं यूज़ करूँगी अभी। इसमें मैंने राई डाल दिया है, तेल ऑलरेडी गर्म है, और इसमें मैं हींग डाल रही हूँ, क्योंकि प्याज लहसुन हम लोग खाते नहीं हैं, हल्दी वगैरह थोड़ी बहुत इसमें है फिर भी डाल देते हैं, और ये करेले डाल देते हैं। फिर इन्हें हल्का सा फ्राई होने देंगे, उसके बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे। करेले अब हल्के हल्के फ्राई हो गए हैं, तो इसमें सारे बेसिक मसाले ऐड कर देते हैं, धनिया पाउडर, नमक है, नमक थोड़ा हम कम डालेंगे क्योंकि इनमें हमने ऑलरेडी नमक डाला था खारापन दूर करने के लिए, लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर देंगे, और जब ये पक जाएंगे ना अच्छे से तब इसमें बेसन डालेंगे और अमचूर डालेंगे, अदरवाइज़ ये अमचूर पहले डाल देते हैं ना तो सब्ज़ी कहते हैं पकती नहीं है, तो लास्ट में बेसन और अमचूर डालेंगे। और अभी मैं इसमें पाव भाजी मसाला भी ऐड करूँगी,
तो ये पाव भाजी मसाला भी ऐड कर देती हूँ इसमें और इसको पकने देते हैं, एक बार ढक दूंगी और फिर इसे पकने देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि ये पक जाए, ज़्यादा नहीं डालना है, बस हल्का सा पानी डालना है ताकि ये थोड़ा पकना स्टार्ट हो जाए, तो उसके बाद इसमें बेसन ऐड करेंगे। ये लगभग पक चुके हैं, थोड़ी सी कसर बाकी है, जब ये अच्छे से पक जाएंगे ना तब बेसन ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अब करेले पक चुके हैं तो इसमें मैं थोड़ा सा अमचूर डाल दूँगी टैंगी फ्लेवर के लिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसके बाद हम इसमें बेसन ऐड कर देंगे। तो ये देखिए अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और बेसन को अच्छे से सिकने देंगे और ये हमारी जो सब्जी है ना बहुत टेस्टी लगती है इस तरीके से बनाने से। वैसे सबको ही आती होगी बट मैंने कभी इसकी रेसिपी ऐसे शेयर नहीं की थी, तो मैंने शेयर की है आज रेसिपी। तो मुझे ज़रूर बताना अगर आप इस तरीके से बनाते हैं करेले की सब्जी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, हमारा खाना वगैरह हो चुका है और अभी मैं अपना बेडशीट चेंज कर रही हूँ क्योंकि अथक और अथक के पापा ना दूसरे रूम में गए हैं, तो मौके का फ़ायदा उठा लेना चाहिए, नहीं तो ये चेंज नहीं करने देते। तो ये जो मैंने की थी ना, इसमें सल आ गए हैं थोड़े से, ये पेंटिंग की थी ना मैंने, तो दोनों में कर ली थी कल, एक इसमें और कर ली थी मैंने, इस वाले में भी कर ली थी। तो ये लगाऊंगी आज और नया वाला बेडशीट भी लगाऊंगी, ये जो मैं लाई थी ना राजस्थानी प्रिंट का, ये वाला लगाऊंगी। तो चलिए लगा लेते हैं बेडशीट, पिलो कवर वगैरह भी चेंज कर लेते हैं, रूम की थोड़ी सी शक्ल चेंज कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये बेडशीट मैंने अच्छे से लगा दी है और आपको भी दिखा देती हूँ इसकी प्रिंट कितनी प्यारी है। और पूरी पैसा वसूल बेडशीट है ये, 550 रुपये में इतना अच्छा इसका फैब्रिक है और इतनी ही अच्छी इसकी लंबाई और चौड़ाई है, मतलब किंग साइज़ से भी बड़ी ये मतलब बेडशीट है। और ये देखिए इसके पिलो कवर भी दिखा देती हूँ और ये जो मैंने बनाए थे वो भी पास से दिखा देती हूँ, क्योंकि दो ही पिलो कवर आते हैं मैचिंग के, तो और जो पिलो होते हैं वो दो दो हम लोग सब लोग लगाते हैं। फ्रेंड्स, अगेन यहाँ पर आ गई हूँ अपनी फिक्स जगह पे, अभी कुछ दिनों से मेरी यही फिक्स जगह हो गई है, जब मैं बैठ के आप लोगों से बात करती हूँ ना, तो उस रूम में क्या था कौन था कि पापा रहते हैं ना, तो फिर वीडियो नहीं बन पाती है, तो इस वजह से मैं इस रूम में आ जाती हूँ और इस रूम में काफ़ी शांति भी रहती है। वैसे भी स्टडी रूम है ये और बैठने की भी प्रॉपर जगह आराम से मिल जाती है, टेबल भी है इसमें, चेयर भी है, तो आराम से बैठ के बात कर सकते हैं इस रूम में, इसलिए आजकल मैं यहीं पर आ जाती हूँ। और अभी मैंने मशीन भी लगा रखी है, पीछे कपड़े धुल रहे हैं क्योंकि आज पापा जी के कपड़े धोने थे, तो और कुछ मेरे भी डाल दिए हैं डेली के जो होते हैं ना हमारे कपड़े, वो भी मैंने डाल दिए हैं। तो मशीन भी लग रही है और व्लॉग को मैं सोची हूँ यहीं पर एंड कर दूँ। आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और आज मैंने करेले की सब्जी बनाई थी ना, तो मैंने कभी रेसिपी शेयर नहीं की थी, इसलिए आप लोगों से शेयर कर दी थी, वैसे सिंपल सी ही रेसिपी थी। और आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स देख कर, बहुत ही अच्छे अच्छे पूनम जी, चारुल जी, सपना जी, सब लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, मीरा जी, पूजा जी, सब लोग, दिव्या जी, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोगों के आते हैं। किसी का नाम अगर मैं भूल गई हूँ तो मुझे सॉरी बोलूँगी, क्योंकि एक बार माइंड में जो नाम आ जाते हैं ना तो वो मैं बोल देती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट्स करते हैं ना, तो दिल खुश हो जाता है मेरा आप लोगों के कमेंट्स को पढ़कर, दिन बन जाता है, जैसा कि मैं हमेशा ही कहती हूँ।
और अभी इतनी गर्मी हो रही है ना, हालत ख़राब हो जाती है, और खाना बनाने में तो सबसे ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। तो आज मैं मॉर्निंग में बात कर रही थी ना आप लोगों से कि जेंट्स लोगों को थैंक्स कहना चाहिए सारी लेडीज़ को कि अपनी फैमिली के लिए इतनी भीषण भयंकर गर्मी में बिना कुछ सोचे समझे इतने प्यार से हम लोग खाना बनाते हैं। तो बहुत बड़ी बात है ये कि मतलब औरत इतना मतलब अपने फैमिली के बारे में सोचती है कि अगर सोचा जाए तो अभी इतनी ज़्यादा हमारी सिटी में तो गर्मी हो रही है कि किचन में खड़े होना तो पसीने से आप नहा लोगे, ऐसी वाली गर्मी पड़ रही है। तो मेरे हिसाब से तो सही में ये एक बहुत बड़ा टास्क है कि सारी औरतें मतलब इंडिया की औरतों का मैं कहूँगी, बाकी तो मुझे नहीं पता कहाँ खाना बनाती हैं कहाँ नहीं बनाती, बट हाँ इंडिया की तो सभी लेडीज़ को सैल्यूट करना चाहिए। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है और तर बतर हम लोग हो जाते हैं काम करते करते, और सुबह से लेकर रात तक किचन में हमारा निकल जाता है। हाँ थोड़े बहुत बाहर के काम भी होते हैं, साफ़ सफाई भी होती है, बर्तन भी होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ जो टाइम होता है वो हम लोग किचन में ही बिताते हैं। तो कितना भयंकर, सबसे घर का सबसे गर्म एरिया जो होता है वो किचन ही होता है, और वहाँ हम खड़े होकर अपनी फैमिली के लिए इतने प्यार से दिल से खाना बनाते हैं, तो सही में ये बहुत बड़ी बात होती है। तो औरत सच में महान होती है मेरे हिसाब से। तो ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।